तने धप मगरे सा रेसा 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 वाह 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 शुक्रिया जहापना जहापना दिन पर चढ़ गया है रात का सुरूर मेरे ख्याल से सभा बर्खास्त कर दे हुजूर करेंगे करेंगे सभा भी बर्खास्त करेंगे लेकिन उससे पहले हमारी एक पहेली का जवाब दीजिए हमें ये बताइए कि एक 100 गज की ऊंचाई से गिरने वाले इंसान में और एक 5 गज की ऊंचाई से गिरने वाले इंसान में क्या फर्क होता है कोई फर्क नहीं होगा जहां पना दोनों ही चिल्लाएंगे नहीं 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 चिल्लाएंगे तो सही लेकिन फर्क क्या होगा बताइए 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 सब लोगों को सांप सूंघ गया है क्या बताइए कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा बीरबल जहां पना इंसान जब 100 गज की ऊंचाई से गिरता है तो डर के पहले आवाज लगाता है ढट और जब इंसान 5 गज की ऊंचाई से गिरता है तो पहले आवाज आती है धट फिर आवाज लगाता है आ दोनों क्रियाओं में सिर्फ आवाज का फर्क है जापन पहले क्रिया में धट और दूसरी क्रिया में धट यही फर्क है जापन समझे आप लोग समझे देखा आप लोगों ने सलीम वासू बलदेव कुछ समझे इसे कहते हैं समझना और समझाना जो आप लोगों के बस की बात नहीं है क्या हुआ आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे सलीम क्या हो गया पुतले बन के क्यों बैठे आप बोलिए मुझे पता है सलीम भाई साहब कुछ नहीं बोलेंगे क्यों पुतले भी कभी बोलते हैं बोलते हैं और बोलेगा हर पुतला बोलेगा अगर हिंदुस्तान के शहंशाह आदेश देंगे तो हर पुतला बोलेगा उसकी क्या मजाल कि वह मुंह बंद करके खड़ा रहे हम आदेश देंगे तो पुतला भी बोलेगा सुना आपने बीरबल हम आदेश देंगे तो पुतला भी बोलेगा जी जापन हमने सुना आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं हमें पता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहंशाह को हम उनके आदेश की ताकत बता रहे हैं अच्छा तो आपका कहने का मतलब है कि जहां पना आदेश देंगे तो पुतला बोलेगा ठीक है एक पुतला लाया जाए और अगर जहां पना के आदेश का अपमान हुआ तो हम आपका सर कलम कर देंगे बलदेव कैसी बातें कर रहे हैं आप इस बात को संजीदगी से ले रहे हैं अरे ये मजाक कर रहे हैं मौलवी साहब आपका मजाक हमें अच्छा लगा अब आप जा सकते हैं रुके जापना आपके सामने आकर कोई ऐसे ही ऐसी हिम्मत की बात नहीं कर सकता हमारे हिसाब से हमें इन्हें एक बार आजमा लेना चाहिए परखना चाहिए इन्हें इनकी इस बात की सच्चाई को परखा जाए क्या कहते हैं आप लोग दिन पर रात का चढ़ चुका है सुरूर मेरे ख्याल से अब सभा बर्खास्त कर दे हुजूर अरे रुकिए ना आपको सभा बर्खास्त करने की क्या जल्दी है चलिए ठीक है परखते हैं पुतला मंगवाते हैं अरे क्या नाम है आपका राजा राजा नाम रखने से कोई राजा बन नहीं जाता है राजा हम हैं तू जा जा जाके पुतला लेके आ राजा ओ, 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 ओ आ रहा है
आप आदेश दें हुजूर। आदेश दें। हे पुतले, हम आपको आदेश देते हैं, हम यानी मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर आपको आदेश देते हैं कि क्या आदेश दें? आप जो भी आदेश दे जहांपनाह, हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं। तो हम भी आपसे बात नहीं कर रहे अब्बा हुजूर। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो क्या? अच्छी बात है, ये पुतला हमारे आदेश का पालन कर रहा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहंशाह का आदेश कौन टाल सकता है? आखिर इतने बरसों से हमने आपके महल में पनाह ले रखी है। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये पुतला हमसे बातें कर रहा है। वाह 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 वाह, मौलवी साहब हम आपसे बहुत खुश हैं। बताइए आपको इनाम में क्या चाहिए? आज आपने हमारी बात पुतले से करवाई है, क्या चाहिए आपको? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात? देखिए मौलवी जी, अगर आप चाहें तो हमारे महल की सबसे खूबसूरत और हसीन नृत्य का यानी कि उर्वशी का नृत्य भी आपको हम दिखा सकते हैं। कहिए, देखना चाहेंगे? शहंशाह, ये आपको कहां से हसीन और खूबसूरत नजर आ रही हैं? जहांपनाह, ये सरासर हमारा अपमान कर रहे हैं। राज नर्तकी, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। हम तो बस शहंशाह को बता रहे हैं कि आप जैसी नर्तकी का दीदार तो हर छोटे मोटे महाराजा करते हैं, पर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहंशाह, आप जैसे शहंशाह को तो परियों का दीदार करना चाहिए। परियों का? जी शहंशाह। यानी परियां? परियों का दीदार? परियां? अरे परियां कहां होती है मौलवी जी, कमाल करते हैं आप। देखिए, परियों के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है, वो भी बचपन में। परियां होती नहीं है। होती है शहंशाह, होती है। हम अपने इबादत से उनका दीदार करते हैं और करवा भी सकते हैं। अच्छा, तो चलिए हमें बताइए कि परियों का दीदार करने के लिए हमें आपके साथ कहां चलना होगा? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परियां तो आसमान में होती हैं। आपको आपके शाही बगीचे में ही हम परियों का दीदार करवा सकते हैं। हमारे शाही बगीचे में? जी शहंशाह। तो फिर देर किस बात की, आइए चलिए साथ मिलकर परियों का दीदार हो जाए। आइए हमारे साथ, आइए मौलवी साहब, आइए। ये रहा शाही बगीचा, बताइए कहां है परियां? कहां है परियां? वहां सामने देखिए। अरे लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है, गुप्त काला अंधेरा और काला आसमान है और बीच में बस एक छोटा सा चांद नजर आ रहा है। हमने कहा ना, हम उन्हें अपने इबादत से बुलाते हैं। हे आसमान में बसने वाली परियां, ये हमारे देश के शहंशाहों के शहंशाह हैं, खुदा के बराबर, इन्हें अपना दीदार कराओ। वाह, अरे मौलवी साहब, हमें यकीन नहीं हो रहा है, ये सचमुच में परियां आ गई हैं। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा जापना, बचपन में हमने जिन परियों की कहानियां सुनी थी वो सामने दिख रही है। वाह वाह मौलवी जी, मान गए आपको, मान गए। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे दरबार में 10 रत्न हैं। 10? नहीं नहीं जापना, 9 रत्न हैं। 9 थे लेकिन अब 10 होंगे।
मौलवी जी हैं हमारे 10वें रथ। क्या हुआ, बहुत गुस्से में लग रही हैं आप? छोड़िए। अरे यार छोड़िए, गुस्सा छोड़िए, गुस्से में आपका चेहरा लाल हो गया। हमें उस दड़ियल पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कौन दड़ियल? अरे सलीम वासु की अभी तक दाढ़ी आई नहीं है। उनको तो आएगी भी नहीं, पता नहीं वो दोनों कब बड़े होंगे। हम उस परियों को बुलाने वाले दड़ियल की बात कर रहे हैं। आपने देखा नहीं कैसे उन्होंने हमारी बेइज्जती की? क्या हम खूबसूरत नहीं है? बहुत खूबसूरत है उर्वशी आप, बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत है कि कभी कभी लगता है कि आप जैसी दो मिल क्या ही नहीं सकती, दो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि आप जैसी दूसरी कोई है ही नहीं ना। तो फिर आपने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहता उनसे? अरे उन्होंने परियों के दर्शन तो करवा ही दिए ना, और वैसे वो परियां भी कम खूबसूरत नहीं थी उर्वशी, उन्हें पास से देखना चाहिए था। छोड़िए। अब क्या छोड़े? हमारा कमरा छोड़िए। क्यों? आप सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। परियां बहुत खूबसूरत थी, उन्हें पास से देखना चाहिए था। तो जाइए ना, देखिए उन्हें पास से, जाइए जाइए जाइए। आप ऐसे नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे ना आप ऐसे। ठीक है, हम ही चले जाते हैं। अरे उरुजी, उरुजी। हे भगवान, अब कौन समझाए इन औरतों को, अपनी बराबरी परियों से कर रही है, अब इसमें हमारी क्या गलती है? है मौलवी जी, मौलवी जी, कल तो आपने चमत्कार पे चमत्कार पे चमत्कार दिखाकर चमत्कार ही कर दिया। पहले तो आपने हमारी बात एक पुतले से करवा दी, उसके बाद परियां। अरे परियों की कहानियां हमने बचपन में सुनी है। एक कहानी थी जिसमें एक बहुत ही बीमार बादशाह थी, एक परी ने उनके सर पे हाथ रखा और बादशाह की तबीयत एकदम ठीक हो गई। हाँ जहाँ पना, और एक और कहानी थी जिसमें एक शैतान एक परी को तंग करता है। कहानियां पता है हमें, आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, आए बड़े कहानी सुनाने वाले। एक और कहानी थी मौलवी जी जिसमें एक शैतान एक परी को तंग करता है। अब बादशाह आके उस परी को बचाते हैं और परी और बादशाह का निकाह हो जाता है। कहीं आपका इरादा भी परी से निकाह करने का तो नहीं है? अरे मौलवी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। अरे हमारी रानी साहिबा किसी परी से कम नहीं है, सच पूछे तो परी से बढ़कर है हमारी रानी साहिबा। आहा, आपके इसी नेक दिली और वफाई ने तो आपको शहंशाहों का शहंशाह बनाया है। चलिए ना सिर्फ आपको परियों से मिलवाते हैं बल्कि उनसे बात भी करवा देते हैं। सच? ऐसा मुमकिन है? शहंशाह आप अगर चाहें तो उन परियों से बात कर उन्हें प्रभावित कर अपने महल में ला सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप, हमारे महल में परियां? हाँ आप शहंशाह के शहंशाह हैं, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहंशाह हैं। आपके महल में दूसरे शहंशाहों के मुकाबले कुछ अजूबा तो होना ही चाहिए। ये तो है, होना तो चाहिए। तो हमें बताइए आप हमें इन परियों से कब मिला सकते हैं? आप जब कहें, चाहे तो आज। आज रात को? आधी रात को, जब सब लोग सो रहे होंगे, आप चुपचाप उसी जगह आ जाना जहां परियां उड़ रही थीं, और आप उन परियों से बात कर उन्हें प्रभावित कर अपने महल में ले आना। सोचिए जहां पना, सवेरे महल में क्या हंगामा होगा। होगा, जरूर होगा। सोचिए जहां पना, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे कायनात में आपकी वाहवाही होगी। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के दरबार में परियां उड़ती हैं। आप चुपचाप वहीं आ जाना, हम वहीं मिलेंगे आपको परियों के साथ। तो ठीक है,
हम आधी रात को आपसे मिलेंगे और परियों से भी। ओहो, तो यहां मिलेंगे हमें हमारी परियां। मौलवी जी कहां है आप और कहां है आपकी परियां? कौन हो तुम लोग? ये आपको जन्नत पहुंचाने आए हैं शहंशाह। मौलवी जी आप हमें जन्नत पहुंचाने? अरे परियां तो जन्नत में होती है ना, देख क्या रहे हो तुम लोग, पहुंचा दो जन्नत शहंशाह को। भाइयों ले जाओ इनको। लीजिए, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ जादूगर मौलवी। जादूगर मौलवी? जी हाँ जापना, हम सब जिन्हें मौलवी समझ रहे थे दरअसल एक छोटा मोटा जादू दिखाने वाला जादूगर है जो नजरों का धोखा करता है। नजरों का धोखा? अरे बीरबल, हमारी आंखों के सामने इन्होंने हमारी एक पुतले से बात करवाई थी, वो पुतला बोला था। पुतला बोला जा अपना, मगर कैसे बोला ये अब हम जानेंगे और ये हमें यही बताएगा। बताइए बीरबल, इस जादूगर की कोई गलती नहीं है, इसे माफ कर दो। अरे अब्बा हुजूर, इसने आप पर हमला किया है और आप क्या बात कर रहे हैं, इसे माफ करने की क्या बोल रहे हैं आप? ये हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमने कुछ बोला ही नहीं। कौन बोला? हम कह रहे हैं ना इसकी कोई गलती नहीं है, इसे माफ कर दो। अरे इसने किया ही क्या है, सिर्फ हमारी जान लेने की तो कोशिश की है, इसमें कौन सी नई बात है, माफ कर दिया जाए इसे। ओहो हो हो, तो इस तरह इन्होंने पुतले से बुलवाया। जी जा बना, इनमें ये अद्भुत कला है, ये अपने होंठ हिलाए बगैर भी बातें कर सकता है और किसी की भी आवाज निकाल सकता है, जैसे अब ये भी इसने आपकी आवाज निकाली। अरे ये तो ठीक है बीरबल, लेकिन वो परियां हम सबने देखी थी, हम अकेले नहीं थे बीरबल, आप भी वहां थे, हम सबने उन परियों को देखा। जी हाँ जापना, परियों को उड़ते हुए तो हमने भी देखा था, बहुत अद्भुत दृश्य था वो, और वही दृश्य देखकर हम अचंभित रह गए थे, इसलिए आधी रात को दोबारा वो दृश्य देखने के लिए हम यहाँ आए, और यहाँ हमने जो देखा उससे हम और अचंभित हो गए। हमने देखा कि दो लड़कियां इस मौलवी साहब से बातें कर रही थी। ध्यान से देखने पर हमें पता चला कि ये तो वही लड़कियां हैं जो परिया बनकर उड़ रही थी। अगर ये परिया बनकर उड़ रही हैं, तो जमीन पे इनसे बातें कैसे कर रही हैं? फिर और ध्यान से देखने पर हमने देखा कि उन दोनों लड़कियों की कमर में एक काली रस्सी बंधी हुई थी। जहां पना, ये लड़कियों के कमर में रस्सी बांधकर लड़कियों को हवा में उड़ा देता था। रात के अंधेरे में हमें काली रस्सियां तो नहीं दिखती थी, दिखाई देती थी तो सिर्फ चमचमाती हुई परियां। ये था इनका माया जाल। ये बात तो समझ में आई बीरबल, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि ये आदमी हमें मारना चाहता क्यों था, हमने क्या बिगाड़ा है इसका, बताइए। शहंशाह, आप धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह बनते जा रहे हैं, ये बात हमारे राजा से देखी नहीं जा रही, इसलिए वो आपको धोखे से मरवाने के लिए उन्होंने मुझ जैसे गरीब जादूगर का सहारा लिया। माफी चाहेंगे, तुम्हारी जो कला है वो काबिले तारीफ, लेकिन तुमने अपनी कला का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन गलत काम का अंजाम बुरा ही होता है। ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। ओ राजा, कौन जाएगा? हम जाएंगे लेके इन्हें। चल यहाँ का झाड़ियों में लेके जाओगे, वहां है कैद खाना, वहां लेकर जाइए। चल चलो, माफी शहंशाह, माफी। बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल आपका,
आपने हमें जन्नत जाने से बचा लिया। जापना इसीलिए कहते हैं, किसी भी अद्भुत करिश्मे को देखकर तुरंत उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, हमेशा पहले अपनी अकल लगानी चाहिए। हुजूर, वो देखिए काली परिया। ए, ला, 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 काली काली परी है, ले ले। अरे बेवकूफ, वो परिया नहीं है, चमगादड़ है, भागो।